हेलो फ्रेंड्स, प्रतीक्षा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू की आसान सब्जी, जिसकी सामग्री आपके घर पर पहले से अवेलेबल होगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है आलू की सब्जी बनाने का और बहुत ही टेस्टी है। सो जब तक रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू छील के इस तरह से कट कर लिए हैं। फिर मैंने लिया है पिसा हुआ मूंगफली, एक कटोरी प्याज, एक कटोरी टमाटर। मसालों में मैंने लिया है 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा और धनिया पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हींग और लिया है मैंने राई, 2 चुटकी राई, 2 चुटकी जीरा और 5 से 6 करी लीव्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसमें डालेंगे राई और जीरा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें करी लीव्स, फिर हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज। ये मैंने एक प्याज लिया था। प्याज को हमें गोल्डन रेड कलर का होने तक पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये गोल्डन रेड कलर का हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये मैंने एक टमाटर लिया हुआ था, तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम इस पर डालेंगे हींग 2 चुटकी। तो अभी हमारे टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप कैसे पहचानेंगे कि मसाले पक चुके हैं? तो मसाले जैसे तेल छोड़ना शुरू कर देंगे ये, तो आप समझ लीजिए कि मसाले पक चुके हैं। तो अभी हम देख सकते हैं मसालों ने तेल छोड़ दिया है, तो ये पक चुके हैं। अभी हम इसमें डाल रहे हैं कटे हुए आलू। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक पकाना है। बीच बीच में अगर इसे इसमें पानी भाप बन के उठ जाए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिए, और जब ये पकने को आ जाए तब आप इसमें हम इसमें डालेंगे ये मूंगफली की पाउडर। अभी हमारे आलू को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे मूंगफली की पेस्ट। इसे डालकर हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। ये महाराष्ट्रियन डिश है गाइज।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी ये हो चुके हैं तैयार, अभी हम इसे कर लेते सर्व। ये हमने हमारे आलू की सब्जी को कर लिया है सर, इसे हम ऊपर से धनिया पाउडर से गार्निश कर लेंगे। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हो, नान के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, प्लेन राइस या जीरा राइस के साथ भी खा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सारा का सारा सामग्री आपको इसकी घर पे मिल जाएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड, इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।